हेलो बच्चों, मैं नीरज भारद्वाज विद्या मंदिर क्लासेज में आपका मैथमेटिक्स मेंटोर स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं आपके लिए 24 जनवरी का शिफ्ट वन का पेपर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आ रखा है वेक्टर से, तो वेक्टर में देखिए आपको क्या दे रखा है, उसने आपको एक यू वेक्टर दे रखा है, एक वी वेक्टर दे रखा है, एक आपको वी डॉट डब्ल्यू दे रखा है, एक आपको मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन दे रखी है जहां से मोस्टली चीजें आप डिड्यूस करेंगे, और फाइनली आपको यू डॉट डब्ल्यू की वैल्यू यहां पर आपको बतानी है। तो हम सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास में जो गिवन इक्वेशन है वो आ रखी है v क्रॉस w इज इक्वल्स टू यू प्लस लैम्डा v। ये मुझे दे रखा है, क्वेश्चन का डिमांड है कि उसको डॉट चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इस पहली इक्वेशन को, ये जो गिवन इक्वेशन है इसका v के साथ डॉट ले लेते हैं। तो देखिए v क्रॉस w, इसका हमने v के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, तो आगे बढ़ने पर u डॉट v प्लस लैम्डा v डॉट v आ जाएगा। अब ये जो v डॉट v आ रखा है, यहां आपको याद होना चाहिए कि ये मोड v स्क्वायर के बराबर होता है। तो फर्दर आगे बढ़ोगे तो देखिए आपको यहां पर, आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, आपका जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली चीज जो है आपकी वो क्या बन गई है, जीरो बन गई है। ये जो चीज है आपकी वो जीरो बन गई है, और आपको क्या मिल गया, जीरो बराबर में, आपको मिल गया है जीरो बराबर में यू डॉट वी प्लस लैम्डा। अब देखिए मोड वी स्क्वायर, देखिए ये रहा वी, मोड वी स्क्वायर रूट के अंदर टू स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, तो आपके पास में फाइनली रूट सिक्स आएगा, अपन उसका मोड का स्क्वायर कर देंगे तो फाइनली हमें सिक्स मिल जाएगा। हमें क्या मिल गया, सिक्स मिल गया। तो देखिए ये आ गया जीरो इक्वल्स टू यू डॉट वी प्लस सिक्स लैम्डा, और इसको हम थोड़ी देर के लिए बॉक्स में डाल लेते हैं। ये आपका बॉक्स में आ गया इक्वल्स टू में, ठीक है। दूसरी बार अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी सेम चीज का, ये जो गिवन इक्वेशन है v क्रॉस w इज इक्वल्स टू यू प्लस लैम्डा v, तो देखिए इसका v क्रॉस w और इसका डॉट ले लेते हैं इस बार w के साथ, क्योंकि w के साथ ही फाइनली हमें मांगा गया है। तो u डॉट w प्लस लैम्डा v डॉट w, ये आपके पास में आ गया है। तो देखिए आपका, जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो दोबारा से जीरो बन गया है, आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोबारा से जीरो बन गया है। u डॉट w, मुझे चाहिए प्लस लैम्डा। अब देखिए v डॉट w आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना गिवन है भाई, टू गिवन है, कितना है, टू गिवन है। ये आ गया यहां से, ओके, जीरो इक्वल्स टू यू डॉट डब्ल्यू प्लस टू लैम्डा, एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब मुझे क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। तो हम यू और वी का क्रॉस कर देते हैं, हम यू और वी का क्या कर देते हैं, सॉरी यू और वी का डॉट कर देते हैं। तो यू और वी का डॉट करोगे तो क्या आ रहा है, वन और टू, टू आ गया, माइनस वन और प्लस का टू आ गया, टू माइनस वन लिख लेते हैं, जीरो इक्वल्स टू टू माइनस वन प्लस टू और प्लस का सिक्स लैम्डा आ गया। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, टू टू फोर, थ्री प्लस सिक्स लैम्डा, और लैम्डा बच्चा आपको मिल गया माइनस वन बाई टू, लैम्डा की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ रही है। और इस लैम्डा की वैल्यू को हम उठा के यहां प्लग इन कर देंगे तो आपको जीरो इक्वल्स टू, यू डॉट डब्ल्यू प्लस में ये क्या हो जाएगा, टू इंटू में माइनस वन बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट हुआ, तो यू डॉट डब्ल्यू फाइनली व्हाट यू विल गेट, वन। तो मेरे पास यू डॉट डब्ल्यू जो है बच्चा वन आ गया, और वन हमारा ऑप्शन नंबर थ्री बन जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं किया है हमने, सबसे पहले गिवन इक्वेशन का वी के साथ डॉट कर दिया, फिर दूसरी इक्वेशन मतलब गिवन इक्वेशन जो है उसका दोबारा से डब्ल्यू के साथ हमने डॉट कर दिया, लैम्डा निकाल लिया, प्लग इन कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हां जी,
तो क्वेश्चन नंबर टू जो आपके पास में आ रखा है लिमिट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको इजी कैटेगरी में डालूंगा। और वेक्टर वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आ रखी है तो मैं इसको थोड़ा सा मीडियम क्वेश्चन दे दूंगा। आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो लिमिट देखिए बहुत ही आसान सा सवाल दे रखा है, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो हो रखा है, वन की पावर में वन अपॉन साइन स्क्वायर टी है, टू की पावर में वन अपॉन साइन स्क्वायर टी है, ऐसे चलते चले जाइए, एन की पावर में वन अपॉन साइन स्क्वायर टी है और इस पूरे की कंप्लीट पावर साइन स्क्वायर टी आ रखी है। तो हम एक काम करते हैं, अगर ये लिखा हुआ है वन अपॉन साइन स्क्वायर टी तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में ले लेते हैं, टी टेंड्स टू जीरो जैसा कि हमें चाहिए, इसको लिख लेते हैं वन की पावर कोसेक स्क्वायर टी प्लस टू की पावर कोसेक स्क्वायर टी एंड सो ऑन प्लस एन की पावर कोसेक स्क्वायर टी और इसकी पूरे की पावर साइन स्क्वायर टी दे रखा है, ये आपको यहां पर गिवन है। अब देखिए आपका टी जो है, या फिर हम एक काम करते हैं कि इस पूरे में से एन को बाहर ले आते हैं, इस पूरे में से एन को बाहर ले आते हैं, लिमिट टी टेंस टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों ध्यान से देखना, वन अपॉन एन की पावर में कोसेक स्क्वायर टी प्लस टू अपॉन एन की पावर में कोसेक स्क्वायर टी और ऐसे चलते चले जाइए तो ये क्या मिल जाएगा भाई, एन बाई एन की पावर कोसेक स्क्वायर टी और इस पूरे की पावर आपके पास बचा रखी है, पर मैं लिख देता हूं अलग से साइन स्क्वायर टी। तो देखिए आपका टी जो है वो क्या कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है, आपका टी जो है वो क्या कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। तो आपको यहां से ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास जितना भी फ्रैक्शन पावर है या सॉरी जितना भी मेरे पास फ्रैक्शन टर्म है वो मेरा पूरा का पूरा टेंड कर जाएगा किसको, दैट टेंड्स टू जीरो, क्यों, क्योंकि कोसेक टी टी जीरो यानी इंफिनिटी बना देगा, तो वन बाई एन का हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट जीरो को टेंड कर जाएगा। तो फाइनली आप इसको कैसा लिख सकते हैं, टेन टू जीरो प्लस टेन टू जीरो प्लस टेन टू जीरो अप टू फाइनली प्लस वन। और याद रखिएगा यहां से एन बाहर निकाला था, यहां से हमने एन बाहर निकाला था, तो फाइनली वो एन इंटू में वन करके आपको एन आंसर करेगा और आपका ऑप्शन नंबर दो बन जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल था और इस क्वेश्चन को मैंने ईजी में डाला है, इसकी टैगिंग ईजी से हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए वही हुआ है, टेन टू जीरो, टेन टू जीरो साइन स्क्वायर टी और इक्वल्स टू एन, यहां से आंसर मैच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है लेट अल्फा बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, यानी अल्फा इस इक्वेशन का रूट है आपका, अल्फा इस इक्वेशन का रूट आ रखा है, ठीक है जी, यहां लिख लेते हैं कि इसका अल्फा एक रूट है, एबीसी डिस्टिंक्ट मेंबर्स है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज दे रखी है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है, सिंगुलर मैट्रिक्स, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, हम पहले इस सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में एक चीज लिख लेते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाता है भाई, जीरो हो जाता है, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स का बेसिक सी बात है कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो आप एक काम करेंगे कि भाई आप अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लें, उसको जीरो के बराबर रख दें, या फिर एक चीज और आती है यहां पर कि आप ऑब्जर्वेशन रूट पर काम कर सकते हैं। क्या बोला मैंने बोला ऑब्जर्वेशन रूट। क्या है भाई ऑब्जर्वेशन रूट, कि अगर मैं एक्स को यहां पर वन रख दूं, अगर मैं यहां एक्स को वन रख दूं तो आप देखेंगे कि एक्स को वन रखने पर ए माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी बराबर जीरो, और देखेंगे ए से ए कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, यानी हम आराम से बोल सकते हैं, बहुत ही आराम से बोल सकते हैं इस चीज को कि मेरा एक्स बराबर वन ये ऑब्जर्वेशन रूट आ गया, और जबकि अल्फा इसका रूट है तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा भी इसके बराबर होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू वन आ गया। एक तो ये इसके अंदर बात आती है, दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं, दूसरी बात हम ये कहेंगे कि भाई आपको जो ये चीज दे रखी है,
आपको a माइनस सी दे रखा है, आपको b माइनस ए दे रखा है और आपको c माइनस बी दे रखा है। थोड़ी देर के लिए इसको बराबर a ले लो, इसको बराबर कैपिटल b ले लो, इसको बराबर कैपिटल c ले लीजिए। ले लिया जी। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या हो जाएगा, अरे इससे ये होगा कि आप क्या कर आप क्या लिख पाओगे a माइनस सी के होल स्क्वायर को, ए स्क्वायर प्लस यहां क्या लिख पाओगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ये हम लिख पाएंगे। नीचे आए तो b माइनस ए और c माइनस बी, देखो b माइनस ए को b बोला और c माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस बी को c बोला, तो अपोन में आपके आ गया bc। ये अब b ऊपर अगर कंज्यूम हो रहा है तो पक्की बात है नीचे ac आ जाएगा, और अगर c कंज्यूम हो रहा है तो पक्की बात है नीचे ab आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इतना मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहां से एक छोटी सी चीज दिखाना चाह रहा हूं कि अगर अगर मैंने a माइनस सी को a बोला, अगर मैंने a माइनस सी को a बोला, b माइनस ए को b बोला और c माइनस बी को c बोला, तो मैं ये बहुत आराम से बोल सकता हूं यहां से कि बच्चा a प्लस बी प्लस सी जीरो आ गया। क्लास नाइन्थ की आइडेंटिटी अब आपको थोड़ी सी चमक जानी चाहिए, क्योंकि उसका सीधा एप्लीकेशन है, सीधा यूज करके फाइनल आंसर लिखूंगा आपको। आपको बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन हैवी है तो मुश्किल लग रहा होगा, तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहां से अगर मैंने एलसीएम लिया तो ए बी सी है ना, तो देखिए क्या बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना। और देखिए a प्लस बी प्लस सी हमारा जीरो आ रखा है, तो याद कीजिए कि जब आपका a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के ऊपर बात की जाती है तो फाइनल आंसर आ जाता है थ्री टाइम्स ऑफ a b c। तो वही यूज कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं थ्री टाइम्स ऑफ a b c, थ्री टाइम्स ऑफ a b c थ्री टाइम्स ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ ए बी और सी के लिए हम बात करेंगे ए बी सी अपोन में ए बी सी और ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट हुआ, बच्चा फाइनल आंसर आपका थ्री आ गया है। फाइनल आंसर आपका आ गया थ्री, और थ्री के लिए हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर वन, तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। इसके अंदर थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हैवी है, सवाल मैं आपको बोलूंगा कि सवाल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और मैं इसको मीडियम की कैटेगरी में डालना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हैवी है, इसीलिए आपको ये मुश्किल लग सकता है। वैसे तो ईजी क्वेश्चन था लेकिन रिप्रेजेंटेशन की वजह से थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी में इस क्वेश्चन को हमने डाल दिया है। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए वही हुआ है, वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये यहां पर सी क्यूब आएगा इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ ए बी सी, फाइनल आंसर व्हाट यू विल गेट थ्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों देखिए क्या होता है कि हमारा जो सारा का सारा काम चलता है जीवन के अंदर भी, वो चलता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब के ऊपर। अब अपन अपनी जिंदगी में कैसे लेंगे उसको, देखिए अगर हम क्वेश्चन को लाइक करेंगे हमारे डाउट्स आएंगे, उनको हम आपस में शेयर करेंगे, और तब भी अगर बात नहीं बनती है तो हम अपने टीचर को सब्सक्राइब करेंगे। सेम उसी तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इससे इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपस में लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो बच्चा आपके पास आ रखा है, देखिए द एरिया इनक्लोज्ड, इतनी सी ही लाइन से समझ में आ जाता है कि भैया एरिया अंडर कर्व का सवाल है। किसका सवाल है? एरिया अंडर कर्व का सवाल है। तो ये वाले सवाल जब भी हमारे पास आते हैं तो देखो कुछ भी नहीं समझ में आता, हालांकि इसकी बेसिक चीज तो यही है कि आप क्या करें, जो भी साइमल्टेनियस आपको जो भी आपको कर्व दे रखे हैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए और एक रफ डायग्राम जरूर बनाइए। रफ डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो देखिए रफ डायग्राम के लिए हम बात करते हैं, तो आपके पास एक दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स बराबर फोर, एक पैराबोला दे रखा है। तो ठीक है पैराबोला अगर मुझे दे रखा है तो हम पैराबोला बना लेंगे। ये आपका पैराबोला है, वेरी गुड, ये आपका पैराबोला है, थोड़ा सा इसका ब्रांच आगे कर लेंगे और
जो दूसरा कर्व आपके पास में आ रखा है, चलिए व्हाइट कलर ले लेते हैं, दूसरा कर्व लीनियर है। लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन का कर्व आपके पास में आ रखा है, और स्ट्रेट लाइन का कर्व अगर आपके पास में है तो रफ फिगर ये बन जाएगा बच्चा, ये रफ फिगर बन जाएगा, ये आ जाएगा कितना 0.2। पॉइंट्स लिखना जरूर याद रखिएगा, हमें पॉइंट्स लिखने बहुत जरूरी होते हैं, और ये आपका 1.0 आ जाएगा। ये तो बात हो गई रफ स्केच की, कि जब भी मेरे पास एरिया अंडर कर्व का सवाल आ जाएगा तो रफ स्केच ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उससे आपको क्वेश्चन के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया लग जाता है। अच्छा, अब काम क्या है, मेरा जो मेजर एरिया क्या है जिस पर मुझे काम करना है, तो देखो बच्चा मेरा मेजर एरिया ऑफ कंसर्न आ जाएगा ये वाला, ये पोर्शन, यानी मुझे ये बताना है, मुझे इसके बारे में बात करनी है। और दूसरी बात है कि जब मैं इसके बारे में बात करूंगा तो मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज आती है कि मैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बना के अपना एरिया निकालना जानता हूं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बना के। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं, अपने दूसरी अप्रोच की तरफ बढ़ता हूं। ये पहला अप्रोच था कि जब आप क्या करोगे, रफ स्केच बनाओगे, पहले आप क्या करोगे बच्चा, रफ स्केच बनाओगे, बन गया रफ स्केच, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं सवाल पे, अगला स्टेप होता है कि जो भी गिवन कर्व है, मैं एक काम करता हूं, थोड़ी सी सहूलियत के लिए इसको कर्व वन बोल देता हूं और इसको कर्व टू बोल देता हूं। तो भाई ये येलो में कर्व वन हो गया और ये व्हाइट के अंदर आपका कर्व टू हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 4x बराबर 4 एंड y माइनस 2x बराबर 2। बच्चा सिंपल सी बात है, इन दोनों को साइमल्टेनियस आपस में सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, आपको x और y मिल जाएगा यहां से। तो साइमल्टेनियस सॉल्व किया तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस 4, अच्छा यहां से x निकाल लो, यहां से x निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 2, 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 अपॉन में 2, और ये इक्वल टू हो रहा है बच्चा 4 के। तो देखिए y स्क्वायर प्लस ये 2 से यहां कैंसिल आउट हुआ, 2y माइनस 4, माइनस 4 इक्वल टू 8, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, और फर्दर इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो एक आपके पास आएगा y प्लस 4 और एक आपके पास आएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो व्हाट यू आर गेटिंग, y इक्वल टू माइनस 4 एंड आपके पास एक आ गया 2, ये y आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं तीसरी अप्रोच के अंदर हम सिंपल सा जो अपन एरिया के लिए अपन अप्रोच पढ़ते हैं कि एरिया बराबर में क्या हो जाएगा, लिमिट्स क्या हो जाएंगी, लोअर लिमिट माइनस 4 हो जाएगा, अपर लिमिट 2 हो जाएगा, और फिर क्या करते हो आप, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व कर देते हो, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व करते हो, और क्या करते हो x इन टर्म्स ऑफ y लिख देते हो, आप क्या करते हो x इन टर्म्स ऑफ y कर देते हैं। तो देखिए इसके सॉल्यूशन से मैं आपको बता देता हूं चीजें आगे की। देखिए ये 1.0, 0.2 हमारा पॉइंट आ गया था, a और b आ गए, आप इनको नाम दे सकते हैं, a और b आ गया। अब देखिए राइट कर्व पैराबोला है, और लेफ्ट कर्व में लाइन है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया और बस एक सिंपल सा इंटीग्रेशन हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया और फाइनल आंसर हमें 9 मिल गया। आई होप आपको इसमें परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो देखिए अच्छा सवाल था, तो इस सवाल को मैं इजी की ही कैटेगरी में डालना चाहूंगा क्योंकि इसके अंदर आपने कुछ नहीं किया। अगर आपने एरिया अंडर कर्व का हमारी क्लास के अंदर या हमारे क्लास नोट्स के अंदर भी आपने अगर पढ़ा होगा, सुन भी लिया होगा अगर, तो भी आपसे ये क्वेश्चन बन जाता। इस क्वेश्चन में आपके पास कोई ऐसी बहुत भारी चीज नहीं थी कि आपको इससे परेशानी आने वाली हो या आती। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इस आयोटा को देखते ही समझ में आ गया कि भैया ये सवाल तो कॉम्प्लेक्स नंबर का है पूरा का पूरा। और अगर आप इसको देखेंगे तो मेरे को साफ समझ में आता है यहां से दो चीजें कि भाई आप या तो इसको ओमेगा में लेके जाएंगे, चलो बेसिक इक्वेशन पे बात करते हैं, पहले दे क्या रखा है,
देखो दे रखा है 1 - √3 की पावर 200 इक्वल्स टू 2 की पावर 199 पी प्लस आयोटा क्यू। याद कीजिए, आपने हमारे साथ हमारे नोट्स में पढ़ा होगा, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूल में सबसे एंड में सिस कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, यानी सी प्लस आई एस कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, जिनमें हम सी और एस को डिफाइन करते हैं, कुछ नहीं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में चीज़ों को लिख रहे होते हैं। तो सिस कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर, मॉड्यूल में सबसे एंड में है, क्लास नोट्स का सवाल है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ अच्छे से करा हुआ है और ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है। अक्सर बच्चा क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा इत्मीनान से सवाल को लाइक कीजिए, डाउट्स को आपस में शेयर कीजिए, नहीं समझ में आता है तो अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए, अपने टीचर से सब्सक्राइब कीजिए, उसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सुनिए, आपको क्या दे रखा है, 1 - √3 आयोटा की पावर 200 टू की पावर 199 पी प्लस आयोटा क्यों। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लूं। तो हम एक काम करते हैं, पहले उससे पहले हम एक काम करते हैं, क्या बोला मैंने, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ठीक है। कुछ ज्यादा मैंने भारी चीज नहीं बोली है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि अपन ट्रिगो के फॉर्म में जो चीज लिख देते हैं तो अपन उसको पोलर फॉर्म बोलना शुरू कर देते हैं, कोई कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात तो मैं बोल नहीं रहा हूं। तो क्या करेंगे क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 199 इसके साथ प्रोडक्ट में जा रखा है, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं। पहली अप्रोच याद रखिएगा, क्या बोला, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं और पावर में 200 जा रहा है, तो अगली अप्रोच डीएमटी की आएगी, सीधा का सीधा चमकना चाहिए अगला इसके अंदर अप्रोच जो जाएगा, डीएमटी। डीएमटी का मतलब क्या हो गया, डीमोवस थ्योरम। डीमोवस थ्योरम क्या कहती है कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो पावर है वो उठ के उनके एंगल के साथ प्रोडक्ट में चला जाएगा, बशर्ते आपकी वो चीज पोलर फॉर्म में लिखी हुई होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी चीज है। तो मैं उसी में कन्वर्ट करता हूं इसको, देखिए मैंने बोला 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ऐसा नहीं है कि मैं उठा के 2 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, मैं ये भी चेक करूंगा कि भाई कोई पावर तो कैरी नहीं कर रहा अपने साथ में वो, अगर वो अपने साथ में पावर कैरी कर रहा है तो उस हिसाब से फिर मैं इस काम को करूंगा। अपने साथ अगर वो पावर कैरी कर रहा है तो देखिए यहां पर पावर 200 की है, इसका मतलब है 2 की पावर 200 से मल्टीप्लाई होगा और अंदर में 2 जाएगा तो वो ऑब्वियस है कि 2 की पावर 200 है उसके पास, तो ये क्या बन जाएगा, 1 / √3/2 आयोटा और इसकी होल पावर में बच्चा 200 इक्वल्स टू 2 की पावर 199 और p प्लस आयोटा क्यू। अब देखिए यहां से ये 200 और 2 की पावर 199 आपस में क्या हो गए बच्चा, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है कैंसिल आउट हो गए। तो ये 2 टाइम्स ऑफ, देखिए अब यहां पे देखिए ध्यान से, 1 / √3/2 आयोटा, मैं इसको बहुत आराम से सिस ऑफ माइनस, या आप डीएमटी लगा लो पहले, इसको मैं बहुत आराम से ये लिख सकता हूं कि सिस ऑफ, आप ऐसे लिख दीजिए इसको, ये कितना आ जाएगा माइनस का 200 π / 3 आ जाएगा। ये कहानी मेरे पास आ गई और बराबर में 2 × p + iota³ आ गया। अब देखिए इसको फर्दर करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ सिस ऑफ, क्या लिख सकता हूं, −66 − 2π / 3 है ना, इक्वल्स टू में 2 टाइम्स ऑफ p प्लस आयोटा क्यू, सॉरी ये 2 यहां नहीं आएगा, यहां से तो 2 कैंसिल आउट ही हो गया था, तो 2 तो यहां नहीं आने का, 2 यहां नहीं आएगा, ठीक है। तो −66 π - 2π / 3 −66 π, साइक्लिसिटी पूरी हो रही है, सर्कल पूरा हो रहा है, रेवोल्यूशन पूरा, इसका रेवोल्यूशन पूरा हो रहा है, तो फाइनली आपको, आपके पास यहां क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सिस, क्या बचा हुआ है, −2π / 3 इक्वल्स टू में पी प्लस आयोटा क्यू। क्यों कर रहा हूं ये सारा काम, भाई आपको आराम से समझ में आना चाहिए कि भाई मैंने इसको
सिर्फ माइनस टू पाई बाई थ्री इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू लिखा है। तो अब मैं आगे जब इसको लेके जाऊंगा तो मैं पी और क्यू कंपेयर करके पी और मतलब इन दोनों को कंपेयर करके मैं पी और क्यू की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। और अगर मेरे पास एक बार पी और क्यू की वैल्यू आ गई तो फिर जो फाइनल क्वेश्चन है अपन उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। तो पी और क्यू के लिए देखिए टू टाइम्स ध्यान से सुनना कोस माइनस टू पाई बाई थ्री और साइन के अंदर माइनस जाएगा तो माइनस आयोटा साइन टू पाई बाई थ्री और ये बराबर चल रहा है बच्चा किसके p प्लस आयोटा q के अंदर में। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं तो ये अंदर क्या बन जाएगा माइनस वन बाई टू माइनस का ये कितना बना क्योंकि सब कुछ वो देखो टू पाई बाई थ्री का मतलब क्या हो गया 120 120 का मतलब हो गया 60 तो cos 60 वन बाई टू माइनस टू पाई बाई थ्री नेगेटिव एंगल जा रहा है माइनस वन बाई टू माइनस का क्या आ गया रूट थ्री बाई टू और साथ में आयोटा याद रखें साथ में क्या याद रखें आयोटा याद रखें बराबर में क्योंकि साइन टू पाई बाई थ्री कितना होगा रूट थ्री पाई बाई टू पी प्लस आयोटा क्यू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा इक्वल्स टू में पी प्लस आयोटा क्यू। बच्चों वाला काम हो गया पी की वैल्यू आ गई है माइनस की वन और आपके पास क्यू की वैल्यू बच्चा आ गई है माइनस का रूट थ्री। चलिए बहुत अच्छी बात हो गई आगे देखते हैं अब कहना अब हमसे चाहता क्या है हमसे चाह रहा है कि भैया पी प्लस क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर हमें इसकी वैल्यू बतानी है किसकी पी प्लस क्यू। तो हम एक काम करते हैं ना इसको अल्फा बोल दो थोड़ी देर के लिए इसको बीटा बोल दो क्यों बोल दो कि भाई वो इक्वेशन के रूट्स बता रहे कि ये इक्वेशन के रूट्स हैं सिंपल सी बात है। तो हमें चाहिए चलो इसको यहां से देख लेते हैं P और P की वैल्यू माइनस वन आई थी Q की वैल्यू माइनस रूट थ्री आई थी अल्फा लेट कर लिया P प्लस क्यू स्क्वायर को तो जब आप यहां पर इनकी वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो आपको टू माइनस रूट थ्री मिलेगा और यहां पर बीटा बीटा की जगह मतलब P और Q की फिर से वैल्यू प्लग इन करेंगे तो आपको टू प्लस रूट थ्री मिल जाएगा। अब आपने सीखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का पी इक्वल्स टू जीरो क्लास नाइन की चीज आ गई है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में एल्फा प्लस बीटा यानी टू माइनस रूट थ्री प्लस टू प्लस रूट थ्री कैंसिल आउट हुआ बच्चा फोर आ गया और प्रोडक्ट करोगे तो वन आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 बेटा ये मेरा आंसर आ गया बच्चों। अब देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ऑप्शन ए दिस इज द आंसर। इसको थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है तो इसीलिए मीडियम प्लस कैटेगरी में मैं डालना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था। देखो तो सोचने का काम ज्यादा नहीं था अगेन सारा का सारा आज के लेक्चर में सारा का सारा जो भी क्वेश्चन आपका जनवरी में आया हुआ है 24 जनवरी के शिफ्ट वन के अंदर वो कंपैरेटिवली अब मैं बोल सकता हूं कि हमारे नोट्स से अगर आपने हमारे नोट्स भी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस कोई मायने नहीं रखते हैं। मैं ये बहुत अच्छे से बहुत पुख्ता तौर पर यह बात आपको बोल सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आइए देखिए जी फोर थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स सबसे पहला काम क्या होता है बच्चा सबसे पहला काम नहीं नहीं लाइक नहीं करना होता लाइक तो करना ही होता है सबसे पहला काम होता है कि ये पता करना कि ये सवाल है कहाँ का भाई पता लगेगा कि उस चैप्टर का सवाल है तभी बात बनेगी और इस एक छोटी सी चीज ने बता दिया मुझे कि ये सवाल कहाँ का है। ये सवाल आपका सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन या सीरीज आप बोल दीजिए एस एंड सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का आपका ये सवाल आ रखा है और भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने जो अप्रोच लगाई है तो उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कैटेगरी में डालना चाहूंगा मीडियम प्लस नहीं जाएगा टफ कैटेगरी में मैं इस क्वेश्चन को डालना चाहूंगा। मैं क्यों डालना चाहूंगा मेरे साथ साथ आपको भी पता लग जाएगा। देखिए जितना भी डेटा दे रखा है उस पर बाद में बात करेंगे अगर सीक्वेंस सीरीज का सवाल है तो टर्म्स पकड़ के लाइए टर्म्स पकड़ के लाइए कि भाई ये हमें टर्म्स क्या क्या दे रहा है हमें टर्म्स क्या क्या दे रहा है। तो देखिए हमारे पास टर्म आ रखी है एक तो थ्री एक आ रखा बच्चा थ्री लॉग बेस वाई एक्स अगली टर्म आपके पास आ रखी है। सबसे जरूरी काम है कि टर्म्स को बहुत ही सावधानी से लिखना अगर टर्म्स गलत लिखी तो कोई मतलब ही नहीं बनता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। हाँ जी अगली टर्म बच्चा आ रखी है थ्री लॉग वाई एक्स हो गया अगला टर्म है थ्री
log z y, और उससे अगला टर्म अगर देखेंगे तो 7 log x और z। हाँ जी, तो अब एपी को देख के आपके दिमाग में कई चीजें आ रही होंगी, ज्यादा चीजें लानी ही नहीं है, सिंपल सी बात है। सवाल को आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है भाई, ये एक ये डेटा याद रखना होता है कि पी क्यू आर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये दिमाग में रखना, कहीं वहां पर मैं नेगेटिव आ जाए लेके चल दो, नहीं वो नहीं करना है। ये एक रिलेशन दे रखा है, आर दे रखा है पी क्यू प्लस वन के बराबर, और सबसे मेन बात कॉमन डिफरेंस यहां पर अवेलेबल है 1/2। अगर कॉमन डिफरेंस ये कह रहा है कि भैया 1/2 का है तो यूज करते हैं उसका, कि कॉमन डिफरेंस 1/2 की अगर बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, b माइनस ए बराबर में कॉमन डिफरेंस कर देते हैं, फिर c माइनस बी बराबर में कॉमन डिफरेंस, इतनी भी टर्म्स दे रखी है, पढ़ा है हमने कि कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट यूनिफॉर्मली सेम होना चाहिए। तो 3 log y x माइनस 3 इक्वल्स टू में 1/2 इक्वल्स टू में आपका 1/2 आ गया, यानी कि 3 log y x इक्वल्स टू में 3 प्लस 1/2 आया, यानी 3 log y x कितना बन गया, 7/2 बन गया, यानी log y x भाई आपके पास में 7/6 आ गया। यहां से आप बोल सकते हो x की पावर 6 जो है y की पावर 7 के इक्वल आ गया, पहला रिजल्ट तैयार होता है। आगे बात करते हैं, आगे की फिर टर्म पकड़ लेते हैं। देखिए 3 टाइम्स log जेड वाई माइनस 3 टाइम्स log y x बराबर में, भाई ये तो 1/2 आना चाहिए। अब ध्यान से देखना, यहां पर ऑब्जर्वेशन की बात आ रही है, यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आपने जस्ट थोड़ी देर पहले log बेस y x की वैल्यू निकाली है, 7/6 निकाली है आपने वो वैल्यू, तो देखो आपके पास log y x अवेलेबल है यहां पे, तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू का यूज करूंगा, यहां पर क्या आएगा 3, क्या आएगा 3, ये तो 3 आ गया, log बेस z y और माइनस 3 इंटू में, भाई ये वैल्यू उठा के रख दो 7/6 और इक्वल्स टू में हो जाएगा 1/2, तो ये यहां से 2 आ गया है ना, तो ये आ रहा 3 log z y इक्वल्स टू में, तो ये बन गया कितना 1/2 और उधर जाके प्लस 7/2, तो कितना हो गया 3 log बेस z y इक्वल्स टू कितना हो गया 8/2 का मतलब 4 हो गया, यानी log बेस जेड वाई 4/3, यानी आप बोल सकते हो y क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया z की पावर 4। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई कि बेस शुड ऑलवेज बी बेस इवन आफ्टर ट्रांसपोज, कि आप ट्रांसपोज कर दें भले ही लॉगरिथम के बेस को इधर से उधर, वो हमेशा हर जगह जाकर क्या बनेगा, बेस ही बनेगा, हमेशा क्या बनेगा बच्चा, बेस ही बनने वाला है, तो बेस बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसको आगे लेके चलता हूं, अब मैं यहां पर यूज करने वाला हूं बच्चा जो गिवन डेटा है, क्या है गिवन डेटा, x की पावर में पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू y की पावर में क्यू आर। अभी यहीं रुकते हैं, अभी यहीं से कुछ निकालते हैं फिर आगे बात करते हैं। चलिए, मैं सारा नहीं सोल्व करने वाला आपके लिए, पर मैं एक करके बता रहा हूं ताकि आपको आगे के लिए रेफरेंस मिल जाए। तो देखिए यहां लिखा हुआ है बच्चा x की पावर में पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो वाई की पावर क्यू आर है, अगर मैं इस वाले रिलेशन पे आऊं, येलो बॉक्स वाले रिलेशन पे आऊं, दिख तो रहा है सभी को, येलो वाले रिलेशन पे आऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मैं y इन टर्म्स ऑफ x अगर लिखूं, तो बच्चा यहां से y लिखा जा सकता है ना, y बराबर में x की पावर 6/7, ये बहुत आराम से लिखा जा सकता है, दोनों तरफ पावर 1/7 ले लिया, तो ये आ गया आपके पास में 6/7। यूज करते हैं इसका, x की पावर अब देखिए y की जगह पर x की पावर 6/7, x की पावर 6/7 और q r, ठीक है। अब यहां से अगर कुछ कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल करते हैं, देखिए यहां से q कैंसिल हो गया, यहां से क्या कैंसिल हो गया, q कैंसिल हुआ, एक q कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ रहा है x की पावर में PQ
इज इक्वल्स टू एक्स की पावर में 6/7 r. सिक्स बाई क्या? अब जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, कि जल्दबाजी नहीं है कि भाई अब कुछ ऐसा दिखने लग गया तो मैं जल्दबाजी कर दूंगा. जल्दबाजी नहीं करनी. जल्दबाजी का मतलब है कि आप सवाल गलत कर दोगे. हमें जल्दबाजी करनी ही नहीं है किसी भी हाल में. तो देखिए बेस सेम है तो पी क्यू बराबर में 6/7 r आ रहा है, यानी कि 7PQ इज इक्वल टू 6 r आ रहा है. यहां रुकेंगे. क्यों रुकेंगे? क्योंकि अब ये रिलेशन रहा, r इज इक्वल टू PQ प्लस 1 है, यानी 7PQ 6 टाइम्स PQ प्लस 1 आ रहा है, यानी 7PQ माइनस 6PQ और बच्चा बराबर आ गया कितना, 6 आ गया. यानी कि ये कितना हुआ, PQ बराबर में 6 आ गया. PQ बराबर में 6 आ गया. अब क्या करेंगे, आइए अपने रिजल्ट पे आइए. PQ बराबर 6 आ गया और हमने यहां पर अभी एक रिजल्ट लिखा था. यहां से आइए इसी जगह से कुछ डिड्यूस करते हैं कि PQ की वैल्यू 6/7 r आ रखी है. इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूं 6/7 r. 6/7 r इज इक्वल्स टू 6/7 r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6, है ना. ये 6 से 6 गया तो यहां से r आ गया बच्चा आपके पास 7. और बाकी की चीज आप सोल्व करेंगे, मैं बस अब आपको डायरेक्ट बता रहा हूं r का वैल्यू मेरे पास में 7 आ गया. r का वैल्यू मेरे पास में 7 आ गया, ठीक है. r का वैल्यू 7 आ गया. अब बाकी का काम मेरे कौन करेगा, p और q करेगा. तो हालांकि मैं यहां से बोल देता हूं कि भैया p 2 है और q 3 होना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते, अपन को सोल्व करना पड़ेगा. नेगेटिव आ गया तो फिर क्वेश्चन के अंदर दिक्कत होगा. तो आपसे मैं इसको इसी से सोल्व करता हूं, फिर आपको सोल्यूशन दिखाता हूं. तो देखिए मुझे चाहिए r माइनस p माइनस q, इसका वैल्यू चाहिए. r 7 माइनस 2 माइनस 3, तो भाई 2 आ गया. मेरा आंसर 2 आ गया. 2 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 आ गया. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लेके जाएंगे. थोड़ा सा मैन्युपुलेशन है इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को टी प्लस की कैटेगरी में डालना चाहूंगा अब तो, कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैन्युपुलेटिव है, थोड़ा सा लेंदी है. सोच पाना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अटेंटिवली इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था तो हम इसके फाइनल आंसर तक सही आंसर तक पहुंच पाते. देखिए सॉरी सेम काम हुआ है कि पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, ये मेरे पास टर्म्स दे रखी हैं एपी की. कॉमन डिफरेंस मेरे को गिवन है, कॉमन डिफरेंस मेरा क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कॉमन डिफरेंस मेरा क्वेश्चन के अंदर गिवन है. अब मैंने क्या किया, मैंने इनको सिंपली वही सॉल्व कर लिया और पी क्यू आर के लिए मैंने बात कर ली. फाइनल आंसर ये देखो, आर पी क्यू प्लस 1 आ रखा था, फाइनल आंसर मेरा 2 आ गया. तो आई होप आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा. बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर. जी देखिए रिलेशन का सवाल है. कहां का सवाल है, रिलेशन का, खुद बोल रहा है रिलेशन का सवाल है. इजी डालूंगा बहुत ही आराम से, क्योंकि इसमें तो इसने सिर्फ हमसे ये 3 चीजें पूछ रखी हैं कि या तो भाई रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, इन 3 चीजों पे बात कर रखा है. यानी बच्चा इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहा है, वो सोल्व करवाना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है हमसे. तो देखो मैं इसको डायरेक्टली कुछ ज्यादा नहीं करना चाहता, यहीं से बात करना चाहूंगा. पहले सवाल समझा देता हूं आपको. देखिए आपको एक रिलेशन दे रखा है आर. आर आर क्या दे रखा है कि भैया ए कोमा बी है और ये इस तरीके से है ये रिलेशन कि इसका जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए कोमा बी वो हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. और एक कंडीशन और है कि 2a बी के बराबर नहीं है और ए और बी आपका जेड होना चाहिए, है ना, इंटीजर्स होने चाहिए. ठीक है देखिए पहली बात जो गिवन है, ये आपको गिवन है, ये गिवन है बच्चा कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए कोमा बी 1 है, 2a नॉट इक्वल्स टू b है. तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं. रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं कि भाई a कोमा a रिलेशन में दिखाते हैं, मिल जाता है तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं है तो नहीं है. तो हमने क्या किया, इसका रिफ्लेक्सिव चेक किया, a कोमा a, क्या किया, a कोमा a. तो बच्चा जरूरी नहीं है कि a कोमा a का जीसीडी a ही आए, ये पॉसिबल नहीं है, ये जरूरी नहीं है. तो इसीलिए हमने इसको नॉट पॉसिबल बोला.
सिमेट्रिक में बात कर लो, सिमेट्रिक में आ जाओ। सिमेट्रिक में हमने बोला कि भैया अगर बी कोमा ए वन, तो जरूरी नहीं है कि टू बी भी ए के बराबर हो, सिर्फ इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से, सिर्फ इस वजह से मैं इसको नॉट पॉसिबल बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है। मैं ये एग्जाम्पल ले रखा है, ये एग्जाम्पल गिवन है, आप ए की जगह दो लीजिए, बी की जगह वन लीजिए, आपको कहानी समझ में आएगी। रखो यहां पर ए की जगह क्या रख दिया, दो रख दिया, बी की जगह वन रख दिया, टू नॉट इक्वल टू टू आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो भैया सिमेट्रिक तो ये नहीं है। ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव का क्या मतलब है कि ए कोमा बी अगर है, बी कोमा सी अगर है, तो ए कोमा सी होना चाहिए। आई रिपीट क्या बोला कि अगर ए कोमा बी आपका बिलोंग्स टू है आर में, बी कोमा सी बिलोंग्स कर रहा आर में, तो वो कहता है कि ए कोमा सी भी क्या करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है जी, देख लेते हैं। बोला ए कोमा बी, लेट्स से टू कोमा थ्री ले लिया, जी सी डी देखा, वन आ गया, टू वे नॉट इक्वल टू बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बी कोमा सी थ्री कोमा फोर लिया, जी सी डी वन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, टू वे नॉट इक्वल टू सी हो गया, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। ए कोमा सी जैसे ही लेता हूं, कॉन्ट्राडिक्शन फिर से आता है कि मैंने लिया टू कोमा फोर, 2.4 का GCD तो 2 आ गया, 2A बराबर C, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, इसके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ना सवाल में वो कह रहा है कि आपका रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो अगर ऐसा नहीं है तो ऑप्शंस पे चलते हैं। देखिए, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। माई रिक्वायर्ड ऑप्शन इज थ्री, कि ये कुछ भी नहीं है, ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, और ना ही क्या है, ट्रांजिटिव है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल, कहाँ का सवाल, डिफरेंशियल इक्वेशन का, डीई का सवाल। अच्छा, उसकी टैगिंग पे अगर बात करें तो ईजी की टैगिंग थी, आपने देख लिए। चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्या सवाल है, लेट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या है जी, एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स वाई माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्स क्या है भाई, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये बाद की बात है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बच्चों क्लास नोट्स याद कीजिए, क्लास याद कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास याद कीजिए। क्या आपको LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था मैंने? हाँ बिल्कुल बताया था। इसमें बिल्कुल हमने बात की थी कि भैया क्या किया था आपने, कि जो भी गिवन सवाल है, याद कीजिए, हमने लिखा था अपने नोट्स में लिखा था कि जो भी LDE का सवाल है या जो भी DE का सवाल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy/dx बराबर लिख लेंगे, और फिर वहां से देखेंगे कि वो क्या है, वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि क्या है वो। तो हमने देखा कि भैया LDE का सवाल बन सकता है। LDE का सवाल बनाने के लिए LDE मैं लिख देता हूं, L, ये L, D और E, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, dy/dx लिखते हैं पहले, यानी ये क्या हो गया, देखना ध्यान से, एक्स क्यूब डी वाई, उधर की तरफ ले जाओ, सिंपल कैलकुलेशन करनी, माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस वन डी एक्स कर दो बच्चा, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब डी वाई, और यहाँ से अपोन में डी एक्स कर दूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते, हाँ जी, एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और ये देखो, इधर आके ये क्या बन जाएगा, प्लस का एक्स वाई, और एक काम करो, वन को वहीं रहने दो, वन को उधर ही रहने देते हैं। और फिर LDE का प्रोसेस क्या है, LDE का प्रोसेस है कि भैया जो भी dy/dx के साथ पावर है, या सॉरी कोफिशियंट है, या जो भी उसके साथ प्रोडक्ट में जा रखा है, उसको क्या करो, थ्रू आउट डिवाइड कर दो, कर देते हैं, ये आएगा एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, dy/dx प्लस में एक्स वाई अपोन में एक्स क्यूब बराबर में वन अपोन एक्स क्यूब,
ये आ गया जी, ये आ गया आपके पास में, ये कहानी आ गई, और x क्यूब में से एक x गया तो 2 आ गया यहां से। तो देखिए dy by dx प्लस में 1 इंटू में y अपोन में x स्क्वायर बराबर में 1 अपोन x क्यूब लिखो। याद करो p और q पकड़ते थे, याद करो ये 1 अपोन x स्क्वायर, याद करो इसको p बोलते थे, याद करो इसको q बोलते थे, याद आया कुछ? e की पावर में इसका अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, e की पावर के इसमें अपन क्या करेंगे, e की पावर में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e, और यहां हो जाएगा pd x, क्योंकि p जो है x के अंदर pd x है ना, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बैठेगा e की पावर में 1 अपॉन x स्क्वायर dx है ना। और इसको फर्दर अपन देखेंगे, आगे चलते हैं, चलो यहां पे आइए, कहां तक अपना स्टेप मैच करते, कहां तक पहुंच चुके थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक आ गए थे, ये रहा, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। उसके बाद क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में आपका ये नंबर आ जाए, आपका ये एक्सप्रेशन आ जाता। तो देखिए ये आ गया e की पावर माइनस 1 बाई एक्स इंटू में 1 अपॉन एक्स क्यूब। हमने क्या किया, यहां से माइनस 1 बाई एक्स को आप ऐसा कर लो, माइनस 1 बाई एक्स को टी मान लो, आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आगे टी में ये मान भी रखा है यहां पर, माइनस 1 बाई एक्स को टी मान लिया बच्चा, सिंपल सा अब तो डिफरेंशिएशन, अब तो सिंपल सा आपको इंटीग्रेट ही करना है, अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है। यहां पर बस एक चीज है कि आपको किसके लिए काम करना है, आप यहां पर इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे फंसेंगे, इस इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट पे फंसेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस डेटा का इस्तेमाल कर लूंगा, y ऑफ 1 बाई टू, यानी जो भी आपके पास इक्वेशन आ रखी है, जहां जहां भी x चमक रहा है वहां वहां पर सॉरी वहां वहां पर हम क्या कर देंगे, x की जगह पर 1 बाई टू डाल देंगे टू गेट y, ये y आ गया। और फाइनली क्या करेंगे, फाइनली y ऑफ 1 यानी x 1 डालकर अपना फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो भाई यहां से अपना फाइनल आंसर जो निकल के आ रहा है वो 1 निकल के आ रहा है, तो 1 हम देख लेते हैं 1 2 में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, कोई कुछ काम नहीं करना था, कोई खास इसमें अप्रोच नहीं आई, कोई खास मैन्युपुलेशन नहीं आया, तो भाई मैं तो इसको थोड़ा सा, चलो आप कह रहे हो तो इजी प्लस कैटेगरी में डाल देते हैं कि इजी प्लस, इजी से थोड़ा सा ऊपर है, मीडियम पे नहीं जाएंगे, नहीं है इसमें कुछ भी ऐसा कि आपको कुछ ज्यादा सोचना समझना करना पड़े। चलिए ए एंड बी आर टू नॉन जीरो एन क्रॉस एन मैट्रिसेस सच दैट मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स का सवाल, मैट्रिक्स का सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है भैया ए और बी क्या है, तो नॉन जीरो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है इस तरीके से कि ए स्क्वायर प्लस बी जो है वो ए स्क्वायर बी के बराबर आ रहा है। अब यहां पर आपको कई चीजें सोचनी पड़ सकती हैं, लेकिन मैं आपको यहां सिंपल सा एक अप्रोच देता हूं कि आप क्या करें, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहां पर क्या कर दें, दोनों माइनस आई को यहां पर आप क्या कर दें, दोनों तरफ जोड़ दें और घटा दें। तो देखो मैं इसको सीधा ही दिखा देता हूं आपको, देखिए अब ये मत सोचना कि सॉल्यूशन दिखाए जा रहे हैं, देखो जहां पर करने की जरूरत है अपन कर रहे हैं, जहां पर सीधा हो सकता है तो अपन सीधे पे बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो टाइम भी बहुत जरूरी चीज है, हमें टाइम को भी सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेन कहानी क्या है कि वीडियो लेक्चर से आपको आपके इनपुट्स मिल जाए, आपको मदद मिल जाए, आप ताकि उस पर थोड़ा सा मोटिवेटेड होकर काम कर सके, है ना। चलिए तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी आपको दे रखा बच्चा, ए स्क्वायर बी है ना, मैंने क्या किया ए स्क्वायर बी को ट्रांसपोज कर लिया, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। और अब मैंने क्या बोला, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दोनों तरफ क्या किया है, इस माइनस आई को दोनों तरफ जोड़ दिया, माइनस आई को दोनों तरफ जोड़ दिया, माइनस आई को दोनों तरफ जोड़ने पर इसके इस तरीके से फैक्टर्स लिख लिए, आई माइनस ए स्क्वायर आई माइनस बी आई के बराबर आ गया। अब आप यहां ध्यान से सुनना, मैं आई माइनस ए स्क्वायर को अल्फा बोलूं, आई माइनस बी को बीटा बोलूं, तो ऐसा है कि अल्फा बीटा अगर आई है तो यार पक्का बोल सकते हैं ना कि इसके जो इनवर्स हैं, इसका जो इनवर्स है भाई बीटा अल्फा भी तो यही आएगा, आई ही तो आएगा, तो वही कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, इनवर्स हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, इनवर्स हो गए, इनवर्स हो गए। तो छोटा सा कैलकुलेशन है,
इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का यूज करके फाइनल रिजल्ट ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर आ रहा था। तो अगर मैं इसको कम शब्दों में एक एक सिंपल सी स्टेटमेंट में कहना या समझाना चाहूं तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि भैया जो भी गिवन आपके पास इक्वेशन थी उसमें मैंने माइनस आई को सिर्फ दोनों तरफ जोड़ा है, और तो बाकी आपका जो भी आपने मैट्रिक्स में कैलकुलेशन पढ़ी है सिर्फ वही बेसिक कैलकुलेशन से आंसर जाएगा। हल्का सा भी आपने सुना होगा नोट्स वगैरह क्लास वगैरह, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली हो, आने वाली थी इस सवाल के अंदर। तो भाई इस सवाल को तो चलो सोचने की वजह से M प्लस बोल सकता हूं मैं कि भैया वो सोच पाना शायद सबके बस का नहीं था, तो M प्लस में डाल देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन पे बात करें तो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री और ये इक्वल्स टू है एक्स जी आई एफ ऑफ एक्स के। तो हम एक काम करते हैं कि लाइक टर्म्स एक साथ रखते हैं सहूलियत के लिए, ऐसे लिख लो इसको, आपको परेशानी नहीं आएगी। एक्स जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स और ये राइट हैंड साइड पे निपटा दो इसको, मोड एक्स जी आई एफ ऑफ एक्स बाहर लो, एक्स माइनस वन यहां पे आ गया, ये एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन के फैक्टर दे देंगे बच्चा आपको, और यहां से इसको ट्रांसपोज करो अभी तक एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन माइनस ऑफ एक्स माइनस वन और जी आई एफ ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, एक्स माइनस वन और ये प्रोडक्ट में है जी आई एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो, ये वाली बात ऐसे आ रखी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि भाई एक्स माइनस वन ओवरऑल कॉमन आ गया, अंदर चलते हैं तो एक्स माइनस थ्री माइनस का जी आई एफ ऑफ एक्स आ गया बराबर जीरो, है ना। याद करो बच्चा एक सिंपल सी फंक्शंस की डेफिनेशन आ रही है कि अगर मैं एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स एक साथ लिख दूं, माइनस थ्री यहां पर लिख दूं और बराबर जीरो कर दूं, तो याद कीजिए इस एक्सप्रेशन को याद कीजिए, एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स को याद कीजिए, एक्स एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाता है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो देखो एक्स माइनस वन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, तो देखो एक्स की वैल्यू एक आ रही है वन और फ्रैक्शनल पार्ट, ये हो गया यहां पर मजाक कि फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू थ्री के आ गया रिजेक्ट, यानी x बराबर वन इज द सॉल्यूशन। तो बात आ जाती है कि हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस है, ए यूनिक सॉल्यूशन इन माइनस इन्फिनिटी से वन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो यहां से आपके पास में एक ही सॉल्यूशन मिलता है, क्या मिलता है ओनली वन सॉल्यूशन, और ओनली वन सॉल्यूशन के लिए क्या 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 ए यूनिक सॉल्यूशन, तो आपका ऑप्शन वन आंसर बैठ जाएगा। तो ये आपका जेई मेन का पीवाईक्यू के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर हम बात करें तो सैंपल स्पेस की बात आ रही है, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस का क्या मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सैंपल स्पेस कह रहा है कि दिस इज द सैंपल स्पेस, ए इज सबसेट ऑफ आई, बी एन इवेंट, ठीक है जी। चलो ये सवाल प्रोबेबिलिटी का है ना, और इस सवाल को मैं टी टी प्लस देना चाहूंगा, ये सवाल टी टी प्लस का है, क्यों, काफी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं इस सवाल के अंदर में, सोचने में कॉन्ट्राडिक्शन है, सवाल पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सोचने में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि क्या है। देखो बच्चा प्रोबेबिलिटी की अगर अपन डेफिनेशन के साथ बात करें, अगर प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो पहली बात है कि किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, ठीक है जी, ए क्या है फाई है, और किसी भी इवेंट के कंप्लीटली होने की प्रोबेबिलिटी वन होती है, ठीक है जी, इसके हिसाब से सही है, और आपने मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसको बोथ वन और टू को करेक्ट बोल दिया जो कि गलत है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि सवाल क्या है कि एक सैंपल स्पेस है, ये प्रोबेबिलिटी की बात बता दी। तो देखिए देखो आपके पास में मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये सेट जो है ये जीरो से वन है, बिल्कुल क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास एक रॉड है
जिसको मैं कह रहा हूँ कि जीरो से वन, यानी इसकी लेंथ कितनी है, वन है, जीरो से वन है, इसकी लेंथ कितनी है, वन है। मेरा फेवरेबल है कि ए ए ए, मुझे ए सेलेक्ट करना है इस तरीके के कि वो कितना हो, हाफ हो। तो लेट्स से कि भाई मेरा ए जो है यहाँ है कहीं, ये मेरा ए यहाँ है कहीं। तो आप याद, अब आप एक बात कीजिए कि अगर मैं एरिया वाइज, अगर मैं एरिया वाइज लेंथ ऑफ सैंपल स्पेस की बात करूं, क्या बोल रहा हूं, एरिया वाइज लेंथ ऑफ सैंपल स्पेस की बात करूं, तो भाई वो कितनी आ रही है, एरिया वाइज लेंथ ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो कितनी आ रही है, वन आ रही है। लेकिन मुझे सेलेक्ट कितना करना है, मुझे हाफ सेलेक्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, हाफ सेलेक्ट करने का मतलब है वन बाई टू। वन बाई टू का मतलब है कि बच्चा कुछ जीरो पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो लेंथ ऑफ फेवरेबल केस कितना हो गया, मेरा फेवरेबल कितना है, हाफ। तो लेंथ ऑफ फेवरेबल केस की अगर मैं बात करूं, लेंथ ऑफ फेवरेबल केस की मैं बात करूं तो जीरो आ गया। लेंथ ऑफ फेवरेबल केस जीरो आ गया। तो अब उस हिसाब से देखिए, पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी जीरो है, लेकिन ए क्या नहीं है, फाई नहीं है। ए क्या नहीं हो सकता, फाई नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट को, इसको रिवर्स वे में लिखना चाहूं, इसको क्या करूं, इसको रिवर्स वे में लिखूं, तो इसको रिवर्स वे में लिखा हमने, तो देखिए बी क्या लिखा गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के भी, हमने ए हटा देना है कि मैं क्या ले रहा हूं, जीरो से वन ले रहा हूं, और उसमें से ये ए, ए के होने के, ए ए ए मेरा फेवरेबल जो है मैंने वन बाई टू यहां से हटा दिया। तो इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आनी चाहिए, वन आनी चाहिए, लेकिन बी क्या है, बी तो इसमें है ही नहीं, यहां से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो बस ये एक छोटी बात थी जो शायद समझने की थी, सोचने की थी, इसीलिए इस वजह से इसका जो आंसर है वो बैठ जाएगा, एस वन एंड एस टू बोथ आर फॉल्स, इसका आंसर ऑप्शन फोर जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हल्का सा भी मॉड्यूल खोला होगा, हल्का सा भी नोट्स पढ़ा होगा तो कहानी क्लियर हो जाएगी, कुछ नहीं करना। कुछ लोग इसको बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर रहे होंगे कि एक्सपेंड कर दूं, ये कर दूं वो, अरे कुछ नहीं करना है, सिंपल सी प्रॉपर्टी लग गई। देखिए समेशन आर 0 से 22, ये क्या लिखा है, 22 CR, इसको क्या लिख लो, 23 माइनस आर लिख लो, सिंपल सी प्रॉपर्टी है भाई, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो गया, ये यहीं पे खत्म हो गया, ये आ गया 45C23, खत्म, 45C23, कुछ नहीं करना, एक्सपेंशन का भी नहीं सोचना था, सिंपल सी प्रॉपर्टी आई है, उस प्रॉपर्टी का यूज करना था, NCR NCN-R, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी लग रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सवाल देख के, अच्छा उस वाले सवाल को भाई, ये सवाल आपका बीटी से था, बाइनोमियल से था, इजी बोलूंगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि मीडियम प्लस में डाल दो सर, तो मैंने मीडियम प्लस में डाल दिया इसको। चलिए हाँ जी, देखिए आईटीएफ का सवाल और मैं कह दूंगा इजी, सिर्फ इजी, क्यों, छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी, वही अगर नहीं हुई तो भाई नहीं होगा, सोचना पड़ेगा, इसके अंदर घुसना पड़ेगा। देखिए ये क्या लिखा है, 1 प्लस रूट 3, अरे भूल जाओ टेन इनवर्स सेक इनवर्स को, बाद में बात करेंगे उन सब के बारे में। तो 1 प्लस रूट 3 अपोन में, यहां से क्या करो, रूट 3 कॉमन ले लो भाई, तो क्या आ जाएगा अंदर, 1 प्लस रूट 3 आ जाएगा, और वहां चलो रूट के अंदर में ऊपर से 4 बाहर निकाल दो तो 2 प्लस रूट 3, और नीचे से 3 बाहर निकाल दो तो कितना आ गया, 3 बाहर निकालने से 2 प्लस रूट 3, है ना, ये बात आ गई। और अब क्या कर दो, अब लगा दो भाई इनके इनके साथ जो भी लगा हुआ था, इनके गहने जो भी हैं, क्या है जी, टेन इनवर्स इनका, इनकी जो भी चीज है क्या है, इसके अंदर में हमारे पास में इसका आरक है टेन इनवर्स, यहां लगा दो जी टेन इनवर्स, और बीच में प्लस का साइन, और लगा दो जी सेक इनवर्स, कहां परेशानी की बात है, ये काट दो 2 प्लस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 से 1 प्लस रूट 3, अरे यार π/6 प्लस π/6, ज्यादा तो क्या ही इस पे बात करवाओगे मेरे से, सीधा आंसर आ रहा है π/3,
इस पे तो मती बात करवाओ, इस पे तो ज्यादा बात मती करवाओ, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, इस पे तो नहीं सोचना था कुछ भी। पाई बाय थ्री ऑप्शन वन, ये काम करना था, बेसिक कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं सोचना होता है। चलिए, बस हल्का सा क्रिटिकल थिंकिंग आप में होनी चाहिए। देखो क्या था वो, सेमी तो बात करी है, कुछ भी तो अलग नहीं हुआ है। देखिए भाई, इस सवाल को देखकर मैं इसको सीएनडी का सवाल बोल देता हूं, सीएनडी का कैलकुलेशन और ये सब करोगे तो थोड़ा सा मीडियम प्लस में डाल दो, हालांकि मेरे को कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बेसिक डेफिनेशन क्लास के अंदर नोट्स में भी लिखवाई थी आपने, विद्या मंदिर में किसी भी टीचर से पढ़ो, हर टीचर बेसिक डेफिनेशन आपको बिल्कुल बताता है और उसी बेसिक डेफिनेशन का सवाल है। याद कीजिए क्या क्या है कि अगर कोई फंक्शन एफएक्स है, अगर कोई फंक्शन एफएक्स इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है एट एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर ए पर, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको कि भाई मेरा बेसिक डेफिनेशन एफएक्स इज, यहां लगा दो इफ, इफ एफएक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए, दिस डजंट इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई नहीं करता कि भाई जरूरी नहीं है कि एफ डैश एक्स भी कंटिन्यूअस हो एट एक्स बराबर ए पर, जरूरी नहीं है। तो जरूरी नहीं है तो भाई ये रहा, मैं तो इसको मार्क कर देता सीधा, लेकिन आप कहोगे अरे 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 ये क्या कर दिया, तो भाई आप प्रोसेस को फॉलो कर लो, प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। क्या कहती है प्रोसेस, कि पहले भाई फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करो, कॉन्टिन्यूटी चेक होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो और जीरो पे चेक कर लो, कॉन्टिन्यूस चेक कर लिया, ठीक है जी। अब क्या होगा, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो। अब बच्चा एक चीज होती है कि आपने किसी की डिफरेंशिएबिलिटी चेक की, अब वो वापिस से डिफरेंशिएबल आ गया तो उसको दोबारा से डिफरेंशिएबल करो, अब जो नया फंक्शन आ रहा है उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए। वही हुआ है कि हमने x बराबर जीरो पे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दी, RHD देख लिया, LHD देख लिया, अब f डैश x पर आ गए। भैया f डैश x पर आने आ गए, यहां पर एक चीज दिख रही है, यहां ये देख लो या 1/x देख लो, ये देख लो, ये बच्चा ओसिलेटरी फंक्शंस है, क्या है, ओसिलेट कर रहे हैं, ओसिलेटरी फंक्शंस हैं, और इस ओसिलेशन की वजह से ही ये क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया एक्स बराबर जीरो पर। बाकी ये प्रोसेस आप जानते हो, मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मेरा ऑप्शन मैं पहले बता दिया था कि भाई अगर बेसिक डेफिनेशन से भी सोच लोगे तो भी आगे पैन ही नहीं उठाने की जरूरत है, लेकिन हाँ अगर आप इसको पूरा फुल फ्लेज्ड ऐसे लेके जाते हो, मीडियम प्लस का सवाल है, कोई ज्यादा इसमें सोचना ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है लेट लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड द इक्वेशन ऑफ दिस, देन द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट एस एक्स प्लस लैम्डा, एक्स इज एन इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ ई की बात हो रही है, ठीक है। देखो क्या दे रखा, मोड एक्स स्क्वायर माइनस टू मोड एक्स प्लस लैम्डा माइनस थ्री बराबर जीरो। भाई इस वाले क्वेश्चन में मैं एक बार फिर से आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहां पर मैंने जितनी भी बात की है, यहां पर मैंने ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया है, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी आपको चमकती है तो आपको मेरी यह बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अपने सवाल पे आते हैं जल्दी से, एक छोटी सी बात याद आई तो सोचा बता दूं आपको। हां जी देखिए कह रहा है लेट लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड द इक्वेशन ऑफ दिस द लार्जेस्ट एलिमेंट, भाई रिलेशन का सवाल है। देखिए भाई मैं इस सवाल को ग्राफिकली करना ज्यादा प्रीफर करूंगा क्योंकि ये मेरे को ग्राफिकली ज्यादा आसान लगता है कि आप अगर एक्स स्क्वायर इसको ऐसे लिख लो, इतने वाले पार्ट को उधर ले जाओ, बराबर में इसको क्या कर लो, माइनस टाइम्स मोड लैम्डा माइनस थ्री कर लो। अब भाई देखो सिंपल है, मैं ग्राफ जानता हूं किसका, मैं ग्राफ जानता हूं मोड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का, किसका, मोड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का। देखो मोड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का ग्राफ जो होगा वो कुछ सिमेट्रिक ही जाएगा आपस में। ये थोड़ा सा वापस से बनाते हैं,
हाँ जी, ये क्या है, ग्राफ सिमेट्रिक ही होगा, सिमेट्रिक ही होगा, सिमेट्रिक ही जाएगा। ये वाला जो है ये यहाँ से इसकी ये माइनस वन आ जाएगी, ये पॉइंट माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पर आपका कहीं माइनस टू, यहाँ कहीं ये टू, ये यहाँ से हम अगर बात करें तो ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस टू, ये टू, यहाँ कहीं पे माइनस वन और ये कहीं पे प्लस का वन आ जाएगा। यानी कि अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव लिमिट्स जो है, नेगेटिव लिमिट जो है माइनस वन से जीरो की जा रही है। नेगेटिव लिमिट्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक की जा रही है, माइनस वन से जीरो की जा रही है। यानी कि मेरा जो माइनस, यानी मेरा जो माइनस मोड लैम्डा माइनस थ्री है वो क्या हो रहा है, माइनस वन और जीरो, माइनस वन से जीरो जा रही है। यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो आप इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि मोड ऑफ लैम्डा माइनस थ्री जो है वो माइनस वन से वन का हो गया है ना, ये वाली चीज हो गई। तो सिंपल है ना, देखिए कि यहां से वो सेम बात बताइए, सेम बात बताइए, तो आपका यहां से क्या हो जाएगा भाई, यहां पे इसने क्या किया, माइनस वन से लेके चल दिया, यहां से माइनस लैम्डा मोड थ्री लेस देन इक्वल्स टू जीरो कर दिया। यहां से देखिए, ये देखिए, ये रहा वो स्टेप जो अपन ढूंढ रहे थे कि आपका लैम्डा माइनस थ्री माइनस वन से वन आ गया, लैम्डा माइनस, यहां से मोड हट जाएगा, यहां से मोड हट जाएगा, ये आ गया जी, ये आ गया। तो काम यहां तो हो ही गया ना, देखिए क्या हो गया, यहां से लैम्डा बिलोंग कर गया कहां से कहां, दो से चार में, तो लैम्डा बिलोंग कर गया दो से चार में, कब, फॉर ऑल, यहां लिखना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस दो से दो, तो एक्स माइनस दो से दो है। और पूछा क्या है सवाल ने पूछा क्या है भाई, लार्जेस्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो एक्स मैक्सिमम दो ले लो और इस एक्स मैक्सिमम दो को लेके सवाल में डाल दो, तो लैम्डा यहां से तीन आ जाएगा और उसने हमसे x प्लस लैम्डा पूछा है, तो भाई x प्लस लैम्डा का मतलब हो गया 2 प्लस 3 5, दिस इज द फाइनल आंसर, ये 5 आंसर बैठेगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 5 आंसर आ गया इसका, क्या बैठेगा, 5 आंसर आएगा। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 3 कह रहा है, बहुत ही एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है, काफी बार आता है ये क्वेश्चन, 3D का सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि ये हमारे पास दो लाइंस दे रखी हैं और इनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है। मैं कुछ नहीं जानता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में, एक बात जानता हूं कि मैं क्या कर दूं, बी माइनस ए डॉट मोड ऑफ पी क्रॉस क्यू अपॉन में मोड ऑफ पी क्रॉस क्यू, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अमंग द लाइंस। L1 लिख लेते हैं जल्दी से, और L1 को मैं A वेक्टर बोल रहा हूं, L1 देखो बच्चा कहां से आएगा, अच्छा यहां पे एक चीज और है, आप इसको ढंग से लिखेंगे, पहले यहां पे देखिए ये यहां से A वेक्टर निकलेगा, ये रहा इसके 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 पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं भाई, टू आ रहा है माइनस वन आ रहा है और सिक्स आ रहा है, ठीक है जी। L2 पे चलो, इसको अपन B बोल देते हैं, B वेक्टर बोल देते हैं, क्या क्या आ रहा है देखो। L2 पे जाने से पहले ये एरिया ऑफ कंसर्न है, इसको आप पलट के लिखिए y माइनस वन बाय माइनस टू, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है हमें चीजों को, ठीक है जी। तो अब देखिए क्या क्या आ गया, 6 और क्या क्या है वहां पर, माइनस वन है तो वन आ गया, और बचा वहां पर और गया माइनस 8, ठीक है ये बात आ गई। अब दूसरी बात, P की बात कर लो, P का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही है, डायरेक्शन रेशियोज की बात हो रही है, तो ये आ गया 3 2 2 और ये Q आ गया 3 माइनस 2 और कितना 0, 3 माइनस 2 और 0 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब कुछ काम खास काम नहीं करना, अच्छा हमारा ओके। अब अपन ने क्या किया, देखो 3 2 2 3 माइनस 2 और 0, 6 1 और -8, 6 1 और -8, 3 माइनस 2 और 0। अब कुछ नहीं करना बेटा, पी क्रॉस क्यू निकालिए, क्यों निकालिए पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू की सवाल में जरूरत है, पी क्रॉस क्यू क्यों निकालिए, पी क्रॉस क्यू यहां से निकल जाएगा, ये SF का मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में सीधा सीधा वैल्यू डालना है, आपका आंसर 14।
आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल एचडी का फॉर्मूला बेस के सवाल था। आइए अच्छा उस क्वेश्चन को, ये 3D का या वेक्टर 3D का क्वेश्चन है, सिंपल सा, मैं तो मीडियम का कैटेगरी देना चाहूंगा इसको। हाँ जी, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, मीडियम सवाल है, क्या है सवाल, 8 बाई पाई i मान लेते हैं, 8 बाई पाई 0 से π/2, और बच्चा ये सवाल दे रखा cos x की पावर 2023 अपॉन में साइन एक्स 2023 प्लस कोस एक्स 2023, ये बात आ रखी है 2023। भाई आपको याद आनी चाहिए प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसको किंग ऑफ प्रॉपर्टी बोला जाता है। किंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या बोलता है याद कीजिए, इंटीग्रेशन अगर आप कह रहे हो कि 0 से a है और एफ एक्स डी एक्स है, तो बच्चा ये बराबर हो जाएगा 0 से a एफ ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस a डी एक्स के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस a डी एक्स के बराबर हो जाएगा। ये वाली बात यहां पर आपके पास आती है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा एक मिनट, यहां पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं कि आपके पास में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स करना है, सिंपल सी बात है। तो गिवन सवाल के अंदर देखोगे तो आई तो ये आ गया, ये पहली इक्वेशन मान लो इसको, दूसरा आई लिखेंगे, क्या क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 5 किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे और ऐड कर देंगे, किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे और ऐड कर देंगे, पहली इक्वेशन वो रही, दूसरी इक्वेशन 8 बाई पाई 0 से π/2, और ये क्या होगा ध्यान से सुनिएगा, कोस पाई बाय टू माइनस एक्स, कोस पाई बाय टू माइनस एक्स एलाइड एंगल प्रॉपर्टी, एलाइड एंगल से हम इसको कोस पाई बाय टू माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई, साइन एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स की पावर 2023 अपॉन में, वो सेम ही रहेगा कि साइन एक्स की जगह कोस एक्स आ जाएगा और कोस की जगह साइन आ जाएगा 2023। दूसरी इक्वेशन क्या बोलता है भाई, 1 + 2 कर दो, तो भाई अब 1 + 2 तो आपको साफ नजर आ रहा है कि 1 + 2 आप करोगे तो आई बराबर में ये 2i बराबर में 8 बाई पाई इंटू में 0 से π/2 और 1 dx हो गया है, तो क्यों, cos x की पावर 2023 प्लस sin x की पावर 2023 और डेनोमिनेटर भी यही आ रखा है, तो 1 dx, यहां पे dx लगाना ना भूलें, dx लगाना ना भूलें, हाँ जी 1 dx हो गया जी, क्या हो गया 2i 8 बाई पाई इंटू में क्या हो जाएगा ये पाई बाय 2 और ये अगले स्टेप पे 2i क्यों लेंगे, अब हम अब तो सीधा ही आंसर लिख सकते थे, अब तो सीधा ही आंसर जा सकता है, क्या आंसर जा सकता है, हाँ जी देखिए पाई से पाई गया 4 से 2 गया, i की वैल्यू 2, दिस इज द फाइनल आंसर, चेक कर लेते हैं i की वैल्यू 2, सेम बात है प्रॉपर्टी 5, सीधा सवाल था, कुछ नहीं सोचना था। कोई सेकंड थॉट नहीं, चलिए पीएनसी ने मौज कर दी 24 जनवरी के एग्जाम में, पीएनसी ने मौज कर दी, क्यों मौज कर दी, कि पीएनसी के 2 सवाल आए सीधे नोट्स से, सवाल थे सीधा अप्रोच नोट्स का था, कुछ भी अलग नहीं था। देखिए पीएनसी इजी सवाल, इजी से नीचे कुछ हो तो बोल देंगे हम, वो भी बोल देंगे, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, 9 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट नंबर्स 1 2 3 4 1 2 3 4 1, यानी 4 4 8 और 1 9, टोटल कितनी डिजिट है, 9 डिजिट है, 9 डिजिट का मतलब है कि भाई इन 9 डिजिट्स का यूज करके हमें क्या करना है, 9 डिजिट्स का यूज करके हमें 9 प्लेसेज भरने हैं, 9 प्लेसेज, 1 2 कहीं कहीं बन जा रहे हैं,
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नाइन प्लेस भरने हैं। क्या क्या है मेरे पास में भाई, वन जो आ रखा है एक दो तीन, तीन बार वन आ रखा है, दो बार दो आ रखा है, दो बार तीन आ रखा है और दो बार चार आ रखा है। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है, अब वो यूं कह रहा है कि दैट द इवन डिजिट ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेज, यानी यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर सिर्फ और सिर्फ इवन डिजिट्स आ सकती हैं। और भाई मेरे पास तो इवन डिजिट चार है, यहां पर भले ही रिपीटेड है, भले ही रिपीटेड है पर कितनी बार आ रखे हैं, चार बार आ रखे हैं। तो चार बार आ रखे तो इनको भरने का तरीका, इनको फिल करने का तरीका क्या हो जाएगा कि चार चार चीज है तो भैया चार फैक्टोरियल अपॉन में दो फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल आइडेंटिकल हो गया ना, आइडेंटिकल हो गया। इसी तरीके से आप ये देख लीजिए कि नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ वेज और वेज टू फिल इवन, तो कितना आ रहा है फोर फैक्टोरियल अपन टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल। अब बाकी के कितने बच गए, एक दो तीन पांच बच गए, चार तो फट दिए पांच बच गए। तो भैया पांच फैक्टोरियल ये इनटू में चला जाएगा, पांच फैक्टोरियल अपॉन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, पांच जगह भरनी है और क्या क्या इस्तेमाल हो चुका है, ये हो गया ये हो गया। तो देखो ना, थ्री फैक्टोरियल इंटू में अपॉन में टू फैक्टोरियल, क्यों, एक वन जो है तीन थ्री टाइम्स आ रखा है, थ्री जो है वो टू टाइम्स आ रखा है। तो आप इसको फर्दर सोल्व कर लो, इसको क्या आ जाएगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन अपॉन में फोर कर दो, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल अपॉन में थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, वैसे तो सिक्स आंसर आएगा, टाइम पास कर रहे हैं। सिक्स इंटू में ये थ्री से थ्री गया, यहाँ से ये कट गया, थोड़ा सा आप एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, यहाँ से फाइनल आंसर, अच्छा यहाँ पे अपने पास ये टेन आ रहा है, तो ये टोटल 60 नंबर ऑफ वेज हैं इसको फिल करने के। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, इजी सवाल है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इजी सवाल था, कुछ अलग नहीं कर रखा, सेम बात है, क्लास नोट्स का सवाल है। अबे आप इस सवाल को सोचिए और क्लास नोट्स को याद कीजिए, मैंने आपको एक सवाल बताया था क्लास के अंदर में कि भैया आपके पास क्या है, टोटल 12 जॉब्स हैं, उसके अंदर क्या कर रखा है, उसके अंदर ये कर रखा है कि याद करो, मैं उसी से सवाल को आपको करके बता दूंगा कि आपके पास में 12, थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, आपके पास में सवाल याद करना, हमने क्लास में किया था, आपके पास में टोटल क्या है 12 जॉब है और उन जॉब्स को इस तरीके से भरनी है, या हाँ इन जॉब्स को इस तरीके से फिल करना था मुझे कि तीन रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जाएगा हमेशा और बाकी नाइन जनरल कैंडिडेट जाएंगे। आप याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास पांच रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट अवेलेबल थे और सात जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट अवेलेबल थे और फिर आपको वो प्लेस फिल करने थे। सेम सवाल है, कुछ अलग नहीं है, सेम सवाल। क्या बोला, ए बॉय नीड्स टू सेलेक्ट 5 कोर्सेज फ्रॉम 12 अवेलेबल कोर्सेज। लो जी 12 अवेलेबल कोर्सेज हैं, पांच कोर्स इसको चूज करने हैं, यानी कि पांच कोर्स आउट ऑफ विच पांच कोर्सेज आर लैंग्वेज, लो जी 5L हो गया, पांच लैंग्वेज के कोर्स है और बाकी 7 जो है वो अदर्स के। इफ ही कैन चूज एटमोस्ट टू लैंग्वेज कोर्सेज, भाई दो लैंग्वेज कोर्सेज की बात हो रही है, यानी कि ये लैंग्वेज हो गया और ये अदर्स का हो गया। ध्यान से सुनिए कब, कि वो कह रहा है कि जीरो लैंग्वेज ले लिया, क्या ले लिया, जीरो लैंग्वेज ले लिया, तो पांच अदर्स ले लिए, एक लैंग्वेज ले ली चार अदर्स ले लिए, दो लैंग्वेज ले ली तीन अदर्स ले लिए। क्या करना था, आपस में इनका जोड़ना ही तो था, ये आपस में जुड़ना ही तो था, ये जो आपस में जितने भी केस बने हैं भाई वो आपस में जुड़ना ही तो थे, कुछ अलग थोड़ी करना था। कैसे, देखिए इसको इधर लीजिए, देखो एल 5C0 और यहां पर क्या हो गया इंटू में 7C5, देखो सेम बात है, यहां पे क्या हो गया 5C1 इंटू में 7C4, यहां पर क्या हो गया 5C2 इंटू में 7C3। ऐसे ध्यान से देखो मत मुझे, मैं अब कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूं, यहां पर कैलकुलेशन ये करके देगा, ये हो रखा है 5C0 7C5, मिला लो 5C0 7C5, 5C1 7C4, 5C2 7C3, फाइनल आंसर 546। क्या क्या गया, 21 175 350 और फाइनल आंसर आपके पास 546।
546। ये फाइनल आंसर बेटा, मतलब क्या था, कुछ भी तो नहीं था, हल्का सा सोचना था, पीएमसी का सवाल है और भर भर के दो सवाल आ गए बोनस, ये तो लॉटरी लग गई आपकी, इजी सवाल, ये तो लॉटरी वाली बात हो गई, सीधा दो सवाल पीएनसी से उठ के आ गया, या तो देता ही नहीं है, फिर उठा के देखो आपके उस शिफ्ट में दो सवाल दे दिए, मुफ्त के 8 नंबर आ गए थे। तो हाँ जी, इस पे आइए, ये जो क्वेश्चन है अगेन S&P का सवाल है, एक पहले भी आ चुका है और मैं इसको मीडियम प्लस दूंगा, इसकी कैलकुलेशन की वजह से, अप्रोच की वजह से तो नहीं देने वाला। देखो द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 500, फोर्थ टर्म यानी T4 AR3, सीधा लिखते हैं AR3 है ना, कितना है जी 500, यानी 500 बराबर में A के बारे में कोई कमेंट नहीं है, आगे सवाल में बढ़ोगे तो कमेंट मिल रहा है कि कॉमन रेशियो 1/m है, ले जी 1/m³ कर दो, ये हो गया है ना, A पे कोई कमेंट नहीं है। लेट SN डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस GP। अब देखो इसको देखना ध्यान से, x6 x5 x7 x6 कुछ SN-1 की फील आ रही है, वही होना है, देखो वही हुआ है कि SN-1 ये पूरा सोल्व करके A की पावर RN-1 आ गया, भाई बस वैल्यूज डाल दो, कंपेयर कर लो, फाइनल आंसर यहां से बैठ जाए। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पे तुम ज्यादा बात करवाना पसंद करोगे, भाई इस पे मुझे ज्यादा बात करनी भी नहीं है, क्योंकि फाइनली तो हमें क्या करना है, फाइनली तो ये कंपेयर करके ही लिखना है। हाँ ये नहीं सोच पा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो सिंपल सी बात है, TN की बात है, ये तो सोचना पड़ेगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, क्लास में बता सकता हूं, उस टाइम तो आप ही को सोचना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ जी ये हमारा आज का आखिरी सवाल, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, ज्यादा बिल्कुल नहीं सोल्व करने वाला, मीडियम कैटेगरी चलो डाल देता हूं, वरना मैं डालना नहीं चाह रहा था पर डाल देते हैं। देखिए क्या दे रहा है, 12 times of 0 to 3, यहां से आपको, आप देखिए आप याद कीजिए कि जब भी आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जब भी आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या आ रहा था, मोड आ जाए, GIF आ जाए या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए या कुछ भी आ जाए, हम लिमिट ब्रेक करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, लिमिट ब्रेक करते हैं, तो भाई इसमें भी लिमिट ब्रेक करेंगे। मैं, मेरा मन नहीं कर रहा कि इस पे मैं ज्यादा बात करूं, चलो थोड़ी सी बात कर लेता हूं, आपको यूं लगे कि हाँ भी चलो काम हुआ है। देखो x²-3x+2 की बात हो रहा है, x²-3x+2 का क्या मतलब हो गया कि भैया x-2 आ गया एक तो, और एक क्या आ गया x-1 आ गया, इस पे बात हो रही है, ये लिमिट ब्रेक करेगा, कहां से कहां ब्रेक करेगा भाई, 12 को पढ़ा रहने, तो यहां पर एक तो 0 से 1 होगी, एक 0 से 1 हो गई, एक 1 से 2 होगी और एक 2 से 3 होगी। आप देखेंगे कि 0 से 1 में पॉजिटिव है जी, 1 से 2 में नेगेटिव है। अब आपको ये पूरा डिटेल में तो मैं नहीं लेके जा सकता, ये वैसा सेशन या वैसी क्लास नहीं है, हम क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैसा डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टली, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको यहां से बता सकता हूं, ये माइनस खुलेगा और फाइनली ये प्लस में खुल जाएगा। यार सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ये तो मत ही कराओ मुझसे, ये तो मत ही कराओ, ये तो खुद ही कर लेना, सिंपल है, कुछ कुछ खास काम इसमें नहीं करना है, x-2 और x-1 रेफरेंस के लिए। अच्छा यार dx लगाते हुए जरूर चलना, भूल ना जाना dx। सिंपल सा सवाल था, लिमिट ब्रेक करने का सवाल था, इसका इसकी ये लिमिट ब्रेक हो गई, देख लीजिए माइनस में खुल गया, बाकी 2 प्लस में खुल गए, सीधा लिमिट पुट करना है, फाइनल आंसर आपका 22 आ रहा है, और इसी वजह से मैंने इसको मीडियम में डाल लिया, हालांकि है नहीं मीडियम का, इजी प्लस में कर सकते थे अपन। तो बच्चों मैं विश्वास करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर में आपको काफी मजा आया होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिला होगा, काफ़ी कुछ आपको टेक्निक्स पता लगी होंगी। बाकी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, स्टे ट्यून, आई होप आपको इस लेक्चर में काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी डिटेलिंग से हमने काम किया है, लगे रहिए तैयारी पर, लगे रहिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चा आपकी कैसी भी क्वेरी आती है, छोटी है बड़ी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, और पढ़ते रहिए, करते रहिए, थिंक IIT, थिंक VMC, थैंक यू।